आज IMA का हियरिंग था और हम सारे लोग कोर्ट में आए और बहुत उम्मीद थी सबों को कि आज कुछ केस आगे बढ़ेगा, लेकिन एक बहुत दुखद आप लोगों को बात बता दूं कि एक मिनट के अंदर ही कुछ हियरिंग हुई नहीं और कहा गया कि बेंच को बदला जाता है, दूसरे कोर्ट में सुनवाई होगी। तो अभी कोई भी क्लियरिटी नहीं है कि इसी कोर्ट में होगा या किसी और कोर्ट में होगा, वो आज शाम तक इंशाल्लाह पता चलेगा। लेकिन उम्मीद ये है कि नेक्स्ट वीक फिर से हियरिंग होगी, डेट कब देंगे वो पता नहीं है। सारे लोग जो यहाँ आए थे उनसे सॉरी बात करते हैं, वो लोग क्या कहना चाहते हैं? नरेंद्र भाई क्या कॉमेंट? कमेंट ये है कि अच्छा है बुरा है ऐसा हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। हर डिसीजन एक मोड़ पे आने के बाद बदलता है, तो पता नहीं आगे का रास्ता क्या होता है, अच्छा होता है बुरा होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल ही हम लोगों ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पे, हाई कोर्ट ने पिछले बार ऑर्डर किया था कि आप अमेंड द पिटीशन और ऐड करो और पॉन्जी कंपनीज को, तो हमारे 9 पॉन्जी कंपनीज थे, कल हम लोगों ने और 10 पॉन्जी कंपनी को ऐड किया था और ये भी बोला था कि और 50 कंपनी पॉन्जी कंपनीज आने का उम्मीद है करके। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है आप लोग ज़्यादा पॉन्जी कंपनी ऐड कर रहे हैं जिसके वजह से भी डिले हो रहा है? ये भी हो सकता है कि कार्रवाई में डिले हो सकती है, तो हम क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि एक जो कंपनी जिसके ऊपर ज़्यादा लोग भिड़े हैं और जो लोग एग्रेसिव है उस पर हम ज़्यादा फोकस करें और वो एक लेवल पर आ जाए, तब हम सभी को जोड़ें, ऐसा लगता है आपको? देखिए मैंने पहले भी कहा था कि IMA केस अभी आया है, पिछले साल से और बहुत सारे केसेस थे, जो बाकी की 8 कंपनियां थी वो 2018 के केसेस थे। IMA का जो हुआ ये अलग बात है कि पुरानी कंपनी थी, कि घोटाला हुआ वो 19 में हुआ। तो जो पहले उल्टी सीधी बातें हुई थी, लोग पुलिस वाले ये वाले इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी उल्टा सीधा काम करके डिले किए थे, वो सब हमको कोर्ट को बताना पड़ेगा, वरना IMA के केस में भी वही होगा और एक्चुअली वही हुआ है। वो पुलिस से SIT को दिया गया, SIT भी पुलिस ही है, उसने कुछ किया कुछ नहीं किया। फिर CBI को दिया गया, CBI भी एक तरह की पुलिस है, उसने इनके ऊपर कुछ आरोप लगाए लेकिन अभी तक प्रूफ कुछ नहीं हुआ है। तो अभी पुलिस वाले एक दूसरे पे आरोप लगाते लगाते ही केस ट्रांसफर होता जा रहा है और बाकी के केस थे स्टेशन से CCB गए, CCB कुछ केस अभी CID को चले गए, कुछ केस स्टेशन में हैं। तो हमको ये लगा जब इतने सारे केसेस देखने के बाद और जैसे जैसे लोगों को पता चला कि लंच मुक्ता के लोग कर रहे हैं, तैसे नए नए कंपनी के लोग भी आए, हिमिल वाले आए, इजी माइंड वाले आए, ड्रीम्स वाले आए, हीरा वाले आए कि सर हमारा सुन लीजिए आप ही कर लीजिए। तो अभी हमको एक सिस्टम बनवाना है। अभी IMA के लिए ऐसा ऐसा कीजिए ऐसा नहीं होता है, सरकार को एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, प्रोसीजर में लोगों को लाना पड़ता है। IMA ने 25 लोगों को ले लिया, अभी बाकी कंपनी के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, वहाँ भी 1-1.5 लाख के से ज्यादा लोग हैं, तो उनको कौन केटर करेगा? नहीं करेक्ट है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर IMA का केस ताजा है और एग्रेसिव मोड में चल रहा है, अगर हम इसको डीलिंग करके एक फोकस करें IMA के ऊपर तो के वो काम हो सकता है, क्योंकि देखिए IMA के केस के वजह से बाकी केस भी एक्टिव हुए, नहीं तो बाकी सारे केस सब मर चुके थे। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि टू मच अगर बर्डन आप डालते हैं, तो मेरा एक अपना सोच है कि शायद IMA का केस अलग से चलना चाहिए, बाकी पॉन्जी का अलग से चलना चाहिए, रूल और रेगुलेशन उसको अलग से फोकस करना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो ये फाइल इतना लंबा होता जाएगा कि शायद जजेस को भी फैसला करने में टाइम लगेगा। हमें उम्मीद ये है कि जज साहब ने ये इसलिए किया है क्योंकि जज साहब का इंटरेस्ट देख के हमको नहीं कोई इधर उधर की आनाकानी फीलिंग नहीं है, उन्होंने सिर्फ इसलिए किया है कि मैं 19 केस नहीं देख सकता हूँ, बहुत लफड़े का काम है, बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो किसी और बेंच को दे दी जाए जो इनके साथ न्याय कर सके, जस्टिस दे सके। 19 केस जो हो रहा है ये बहुत लंबा नहीं, लेकिन हो रहा है ना, अगर 19 केस सुनिए, अगर 19 केस तेज करना है तो अलग करना ही पड़ेगा। अगर 19 केस का एक ही प्रोविजन है, एक ही फार्मूला है, वही पुलिस है, वही कमिश्नर है, वही फाइल बढ़ जाते हैं ना। देखिए अब 19 लोगों का केस है तो अब इनका एक केस का डिस्कशन होगा, इसमें क्या क्या है, इसमें कौन कौन पैसा खाए हैं, IMA का एक अलग मामला होगा, तो जज को भी उसके ऊपर सुनवाई करने में एक तो मुश्किल तो होगी। देखिए PIL जो होता है, PIL नहीं, PIL का मतलब है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब जब पब्लिक का इंटरेस्ट है तो पब्लिक में IMA भी हो जाता है, एम्बिडेंट भी हो जाता है, अजमेरा भी हो जाता है, मर्गनल भी हो जाता है, तो पब्लिक के लिए प्रोसेस चल रहा है, ये किसी इंडिविजुअल केस के लिए नहीं हो रहा। अगर इंडिविजुअल केस होगा तो ये PIL आप नहीं डाल पाएंगे। मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहती हूँ कि ये IMA केस में बहुत से गरीब लोग हैं,
मैं गवर्नमेंट तक नहीं जा सकती, अगर जज मिलते तो मैं बात कर लेती उनको, लेकिन बहुत गरीब लोग हैं जो बहुत तड़प रहे हैं, उनकी तड़प देख कर मैं आई थी उस दिन। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सर प्लीज़ एक इस केस को जल्द से जल्द करें और लोगों के पैसे को जल्दी से जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मेरा नाम अक्रम है, मैं भी एक आईएमए का इन्वेस्टर हूँ। आईएमए के केस में ये तमाम पूरा जो केस चल रहा है इतने दिन से ठीक चल रहा था जी। अभी क्या हुआ, इसी केस के अंदर दूसरे लेके आके दूसरे पे पॉन्जी स्कीम जो भी है वो केस लेके आके इसमें मिला दिए। मिलाने की वजह से क्या हुआ, ये दो तीन हेयरिंग से क्या हुआ, आईएमए की केस का पूरा हेयरिंग बराबर आर्ग्यूमेंट कुछ भी ये नहीं हुआ। उसली वजह से डेट भी है ना लंबे लंबे देने शुरू हो गया। बाद में दूसरे केस मिलाने की वजह से मुझे लगता है कि दूसरे केस मिलाने से ये दूसरे बेंच को ट्रांसफ़र कर दिए होंगे। इसलिए मेरी राय है कि फ्रेश कहते भी ये करके ये आईएमए केस को है ना अलग कर दिया जाए, अलग करके सिर्फ आईएमए केस का ये मुद्दा उठा के अलग ये करें। और हमारी गवर्नमेंट से भी अपील है, चीफ मिनिस्टर से और जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, जो सीबीआई है उनसे, जो भी असेट्स जितना भी रिकवरी होके है उसको जल्द से जल्द लिक्विडेशन करके थोड़ा थोड़ा जितना भी आता उतना उतना दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बहुत बेहतर होगा। मेरा सवाल ये है कि सीबीआई को चले गया, सीआईडी को चले गया, सीसीबी को चले गया, बट देर इज व्हाट इज द रियल वे, हम कहाँ तक पहुँचना है बोलो, किधर हमारे को न्याय मिलेगा। द रीज़न पुलिस से नहीं, पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन सीबीआई, सीबीआई से सीआईडी, सीआईडी, द मेन थिंग इज दैट ऑपरेशन हैज बीन कंडक्टेड, पेशेंट हैज डेड। तो आप बोल रहे हैं कि लंबा लंबा हो रहा है रिजल्ट, तो कुछ पता चले क्या हो रहा है, कुछ कार्रवाई तो सामने आए, यही आप चाह रहे हैं, कुछ रिजल्ट सामने तो आना चाहिए, बहुत लंबा हो रहा है। तो आप लोग डार्क पिक्चर में क्या हो रहा है वो पता नहीं है, तो आप ये रिक्वेस्ट कर रही हैं गवर्नमेंट से और कोर्ट से कि जो भी हो रहा है उसको जल्दी खुलासा किया जाए और रिजल्ट क्या होगा वो बताया जाए। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, आईएमए का दूसरे केस चल रहे थे, ये टाइम आए हम कहां दूर दूर से आए हैं लोग, लेकिन आज सुनवाई नहीं हुई। तो आज का ये मुद्दा था कि आज हियरिंग थी लेकिन सारे लोग दूर से आए थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आज सुनवाई नहीं होगी, बाद में होगा, दूसरे बेंच को दिया जाएगा। तो अब ये पता तो नहीं है कि ये चेंज क्यों किया गया है, तो इसकी जैसे तहकीकात होगी पता चलेगा तो हम बताने की कोशिश करेंगे। ताहिर साहब, हाँ जी बोलिए। अच्छा ताहिर भाई, आज कोर्ट में मैं भी गया था जी। और वो केस में तो सडनली बोल दिया गया कि दूसरे बेंच में शिफ्ट होगा, इसका क्या मतलब है? जो कि अभी रिसेंटली वो अपॉइंट हुए हैं, और वो जज क्या है, वो आप शिवाजीनगर के इलाके के ही जज है, वो जज है वो। अच्छा जी। और उनके पास बहुत सारे केसेस रहे हैं जिन्होंने क्या है आईएमए से रिलेटेड इशू में उन्होंने काम किया हुआ, दूसरों के लिए कभी अपेयर हुए हैं या उसमें कुछ इन्वॉल्व हुए हैं। तो जब भी ऐसी पोजीशन होती है तो क्या होता है, जज डिसेबल हो जाता है ऐसे मैटर को हेयर करने के लिए। अच्छा, इसके लिए क्या है कि आज जो बेंच ने बोल दिया कि भाई जो पिसन जज है वो डिसेबल है, तो प्लेस बिफोर द चीफ जस्टिस अगेन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइड टू कंस्टिट्यूट ए न्यू बेंच। तो इसका मतलब क्या है कि अब जब चीफ जस्टिस या तो इनको चेंज करेगा पिसन जज को, ऐसे एक रोस्टर चेंज होने का एक प्रोसेस है, क्योंकि हम अभी एप्लीकेशन आने के बाद टाइम रोस्टर चेंज हो जाएगा दिसंबर में, जो 20 तारीख के बाद एप्लीकेशन आएगी उसमें रोस्टर चेंज है, तो उसके बाद वो कोर्ट केस लिस्ट होगा। क्या भी केस में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑनली चीज क्या है कि आज कुछ ऑर्डर नहीं हुआ समझ लीजिए, बस नेक्स्ट डेट में कंसिडर होएगा जो भी है। ठीक है, तो अब कब तक बिटवीन मैंने जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से भी मैंने जो बात की थी, कल ही मैंने बात की थी, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बोला था कि मैंने हमने पूरा वो प्रोसेस को तैयार कर लिया है इसके लिए, क्लेम नोटिफिकेशन के लिए, और वो हम लोग हाई कोर्ट में देने वाले हैं अप्रूवल देके, और हम लोग सिविल स्पेशल जज के पास भी दे दिया है। तो वो जब हियरिंग होगा तब पता चलेगा ना? नहीं नहीं, स्पेशल एक्चुअली ये तो सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहा है हाई कोर्ट, पर जो रियल जो पूरा प्रोसेस है वो स्पेशल जज करेगा। अच्छा, तो स्पेशल जज को भी सबमिट कर दिया उन्हें अप्रूवल के लिए, तो अगर वो सबमिट हो गया तो उन्हें अप्रूव कर दिया तो वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में वो लोग क्लेम नोटिफिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये बताइए आज की जो डेट से, आज की डेट में सिर्फ इतना हुआ है कि कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट में बहुत जल्दी कोई डेट नहीं मिली है, बहुत जल्दी चीफ जस्टिस इसको प्लेस करेगा दूसरे बेंच के पास, और इस बार कुछ आगे काम होएगा।
तो लॉय ये जज वर तो चेंज होने का कोई चांस है क्या? नहीं, जज ट्यूसिंग जज चेंज होएगा, जो चीफ जस्टिस के अलावा जो सॉर्डिनेट जज है ना, हाँ वो चेंज होएगा और कोई नहीं होगा। तो अब इससे ये लगता है कि मान लीजिए कि डेट लिंक मिलने में एक हफ्ता भी लगा तो उसके बाद से फिर 15 दिसंबर से तो कोर्ट बंद हो जाता है, तो नहीं, 2 वीक का पकड़ के चलिए, 2 वीक में मोस्टली हो जाएगा कुछ ना कुछ लेट, 2 वीक के अंदर एक हियरिंग हो जाएगा, ठीक है, वो आउटर लिमिट है, वो 2 वीक के अंदर कुछ ना कुछ हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू।